नमस्कार, इंडिया न्यूज पर देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम जानकारी के साथ करेंगे। आपको बता दें कि मसूरी से बड़ी खबर, यहां पर 38 जाबाज अधिकारी जो है YTBP की मुख्य धारा में शामिल होंगे। और इनमें आपको बता दें कि 24 पुरुष हैं तो वहीं 14 महिलाएं जो हैं वो अधिकारियों के बीच में शामिल होंगी। आपको बता दें बड़ी जानकारी, डॉक्टर ITBP IPS जनरल संजय अरोड़ा भी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद होंगे। कोविड काल में बेहतर सेवा देने वाले जाबाज सेना का हिस्सा होंगे, अधिकारी बनेंगे असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 38 जाबाज अधिकारी जो है वो ITBP के मुख्य धारा में शामिल होंगे। 24 पुरुष 14 महिलाएं अधिकारियों होंगे शामिल। और डायरेक्टर ITBP IPS जनरल संजय अरोड़ा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि कोविड काल में बेहतर सेवा देने वाले जाबाज सेना का हिस्सा होंगे, अधिकारी अब असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर बनेंगे। आपको बता दें बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रही है मसूरी से, जहां पर 38 जाबाज अधिकारी जो है वो ITBP के मुख्य धारा में शामिल होंगे। और इसमें आपको बता दें कि 24 पुरुष हैं तो वहीं 14 महिलाएं शामिल हैं। कोविड काल में बेहतर सेवा देने के चलते यहां पर शामिल होंगे अब ITBP में। अब अधिकारी जो है असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर बनेंगे। 38 अधिकारी जो है ITBP में शामिल हो रही हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इन 38 अधिकारियों में 24 जो हैं वो पुरुष हैं तो वहीं 14 महिलाएं भी ITBP में शामिल हो रही हैं। कोविड काल में बेहतर सेवा देने वाले जाबाज अधिकारी यहां पर ITBP में शामिल होंगे। आपको बता दें अब असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर अधिकारी जो है बनेंगे। और 38 अधिकारी ITBP में शामिल होंगे, इसमें से 24 पुरुष होंगे तो ही 14 महिलाएं होंगी। तो आपको बता दें कि सीधे MBBS की परीक्षा देकर ये अधिकारी जो है भर्ती हुए हैं। और अधिकारी अब असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर बनेंगे। 24 पुरुष 14 महिलाएं अधिकारियों में शामिल होंगे। और डायरेक्टर ITBP IPS जनरल संजय अरोड़ा मुख्य अतिथि होंगे। कोविड काल में बेहतर सेवा देने वाले जाबाज सेना का हिस्सा है। तो इसी बीच हमारे सहयोगी सुनील सोनकर हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव इस खबर पर। आपको बता दें सुनील, जिस तरीके से एक कार्यक्रम है, किस तरीके से पूरा कार्यक्रम होगा और क्या कुछ खास इस कार्यक्रम में देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल सुनील, अपने आप में ये अहम कार्यक्रम है। सुनील बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर CM पुष्कर सिंह धामी होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रही है। और साथ ही आपको बता दें कि रामलला के दर्शन CM पुष्कर सिंह धामी करेंगे और हनुमानगढ़ी में दर्शन कर पूजा पाठ करेंगे। अयोध्या में आयोजित एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे CM पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी अहम जानकारी आपको दे रही है, CM पुष्कर सिंह धामी जो है वो 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि राम दरबार में माथा भी टेकेंगे CM पुष्कर सिंह धामी, भगवान राम के दर्शन करेंगे। और आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना करेंगे CM पुष्कर सिंह धामी। तो 2 दिवसीय ये दौरा CM पुष्कर सिंह धामी का। और आपको बता दें कि इस 2 दिवसीय दौरे में CM पुष्कर सिंह धामी जो है वो एक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। तो आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर CM पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। और इन 2 दिवसीय दौरे में CM पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो भगवान राम के दर्शन करेंगे। और साथ ही आपको बता दें हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना भी करेंगे CM पुष्कर सिंह धामी। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि यहाँ पर अयोध्या में आयोजित एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे CM पुष्कर सिंह धामी। और 2 दिवसीय ये दौरा है CM पुष्कर सिंह धामी का। 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या में रहेंगे CM पुष्कर सिंह धामी। और इन 2 दिवसीय दौरे में CM पुष्कर सिंह धामी जो है एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि रामलला के दर्शन
इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी अयोध्या में करेंगे और हनुमानगढ़ी में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे और वहां पर भी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। और आपको बता दें एक कार्यक्रम इसके बाद, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो दो दिवसीय दौरा है और बेहद अहम ये दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का। और आपको बता दें कि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है अयोध्या पहुंचेंगे और आज ही अयोध्या पहुंचने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करेंगे, इसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद आपको बता दें कि कार्यक्रम में शामिल होंगे और फिर और कल सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वापस देहरादून लौट आएंगे। तो दो दिवसीय दौरा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का अयोध्या का, और ये दो दिवसीय दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का बेहद खास, बेहद अहम। और इस दो दिवसीय दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है भगवान राम के दर्शन करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और वहीं हनुमानगढ़ी में भी दर्शन करके पूजा पाठ करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम जो है कुछ इस तरीके से तय किया गया, कुछ इस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक कार्यक्रम है और दो दिवसीय दौरा है अयोध्या का। दौरे के दौरान भगवान राम के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना भी करेंगे। इसी बीच हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ, उनका रुख कर लेते हैं। प्रवीण जी, जानकारी आपसे यहाँ पर ले लेना चाहेंगे, जिस तरीके से दो दिवसीय दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी अयोध्या पहुंच रहे हैं, क्या कुछ खास इस दौरे में देखने को मिलेगा और किस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी? दो दिवसीय दौरा है, काफी महत्वपूर्ण दौरा इसलिए भी है कि 2022 में चुनाव है और हर पार्टी को भगवान का साथ चाहिए और बीजेपी चूंकि हिंदूवादी पार्टी है और अयोध्या को जिस तरह से बीजेपी ने बुनाया था पिछले चुनाव, कई चुनाव में बुनाते आई है, उसी तरह से इस चुनाव में बुनाने की भी कोशिश है। और पुष्कर सिंह धामी जाएंगे, वहां पे लाल रामलला का दर्शन करेंगे, इसके बाद जो कई वहां पे कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे, फिर वहां से जो है पूरी तरह से वहां से एक मैसेज उत्तराखंड में देने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और कहीं ना कहीं श्री राम जो पुरुषोत्तम राम है उनका आशीर्वाद लेकर जो देवभूमि उत्तराखंड की तरफ आएंगे। उत्तराखंड का एक अपनी जो ऐतिहासिक आप कह सकते हैं पौराणिक मान्यता है, यहाँ पर देवी देवताओं का ये राज्य है और चार धाम यात्रा पर यहाँ पे पूरे देश भर से लोग आते हैं, तो इसका एक बड़ा मैसेज जाएगा और इसी के तहत मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं अयोध्या में। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रवीण बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में टिहरी का जवान शहीद हो गया, बड़ी जानकारी आपको दे रही है। 29 साल के विक्रम सिंह नेगी शहीद हुए हैं, गुरुवार रात हुई मुठभेड़ में घायल हुए थे विक्रम सिंह नेगी। और आपको बता दें कि अस्पताल में इलाज के दौरान विक्रम सिंह नेगी शहीद हो गए। और आपको बता दें कि 5 साल पहले गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए थे विक्रम सिंह नेगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही है जो इस बीच सामने आ रही है, 29 साल के विक्रम सिंह नेगी शहीद हो गए हैं। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको बता दें कि देवभूमि का लाल जो है वो जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में घायल हुए थे और इलाज के दौरान अस्पताल में उन्होंने अपना दम तोड़ा। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको बता दें कि 5 साल पहले गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए थे जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में टिहरी का जवान शहीद हुआ है। आपको बता दें कि आतंकी मुठभेड़ जम्मू कश्मीर में हुई थी और 29 साल के विक्रम सिंह नेगी जो है इस पर शहीद हो गए। विक्रम सिंह नेगी जो है वो इस मुठभेड़ में घायल हुए थे और विक्रम सिंह नेगी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था और इलाज के दौरान विक्रम सिंह नेगी शहीद हो गए, उन्होंने इलाज के दौरान अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रही है। वहीं आपको बता दें कि 29 साल के विक्रम सिंह नेगी जो है शहीद हुए हैं और आपको बता दें कि जम्मू में यहाँ पर आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं विक्रम सिंह नेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि सब्जी की कीमतों में उछाल के बाद सब्जी मंडी में कम ग्राहक नजर आ रहे हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि मंडी भाव ही इतना उछल गया है कि थोक में खरीदने में भी गुंजाइश नहीं बची है। हल्द्वानी में टमाटर 60 रुपये प्रति किलो बिक रहा है और प्याज 45 से 50 रुपये किलो। और अगर बात करें जो सब्जी पहले 1 किलो तक खरीदी जाती थी वो अब पाव भर खरीदी जा रही है या फिर आधा किलो। आपको बता दें कि उम्मीद जताई जा रही है कि शादी का सीजन निपटने के बाद सब्जी की जो कीमतें में उछाल देखने को मिला है वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा, जिससे थोड़ी राहत लोगों को मिल सकती है। मैदानी इलाकों में आने वाली सब्जियों की भी आपको बता दें कि कम होने लगी है। जब तक नई सब्जियां बाजार में नहीं आएंगी तब तक आपको सब्जी खरीदने के लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी। महंगाई की मार सीधे तौर पर आम जनता पर पड़ रही है। जहां एक ओर पेट्रोलियम पदार्थ लगातार महंगे हो रही हैं, तो वहीं हर रोज
कि जो जरूरत की चीजें हैं वो भी महंगी होती चली जा रही है, रोजमर्रा की चीजें जो है वो भी काफी ज्यादा महंगी हो रही है, वहीं सब्जी के दाम जो है वो भी आसमान छूते हुए दिख रही है। तो लगातार आपको बता दें कि महंगाई की मार जो है पहाड़ पर जारी है, लगातार महंगाई लोग झेल रहे हैं और हर सब्जी के दाम जो है वो दोगुने से डेढ़ गुने तक बढ़े हुए हैं, इसकी मार सीधे तौर पर आम जनता झेल रही है। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जो सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं इसको कसूरवार माना जा रहा है, जिस तरीके से पेट्रोलियम पदार्थों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो इस वजह से भी सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन में अब अधिक खर्च होता है, तो इस वजह से भी सब्जियां महंगी हो रही हैं। तो आपको बता दें कि आम आदमी का गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है और जिस तरीके से लगातार यहाँ पर महंगाई चरम सीमा पर पहुँच रही है और खाने पीने की चीज़ें लगातार इतनी महंगी होती जा रही हैं, लोग इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आगे बढ़ेंगे खबर हरिद्वार से, जहाँ पर आपको बता दें कि कानपुर तक जाने वाली गंग नहर बंद की गई है, बड़ी खबर आपको बता रही है, अगले 20 दिन के लिए बंद की गई है गंग नहर और मरम्मत के चलते यूपी सिंचाई विभाग ने इसको बंद किया है। 4 नवंबर दीपावली की रात को खोली जाएगी गंग नहर और हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान में परेशानी होगी। एनसीआर क्षेत्र में भी आपको बता दें कि पानी की किल्लत हो सकती है, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पानी से जुड़ी बड़ी जानकारी है ये, दिल्ली एनसीआर के लिए विशेष खबर है ये। आपको बता दें कि 20 दिन पानी की किल्लत जो है देखने को शायद मिल सकती है, पानी की किल्लत हो सकती है 20 दिन तक। कानपुर तक जाने वाली गंग नहर बंद की गई है, आपको बता दें कि मेंटेनेंस के लिए 20 दिन के लिए गंग नहर को बंद किया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने मरम्मत के चलते गंग नहर को 20 दिन के लिए बंद किया है। हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान करने में भी परेशानी हो सकती है और नदी में पानी जो है कम देखने को मिल सकता है। एनसीआर क्षेत्र में भी पानी की किल्लत संभव बताई जा रही है, पानी की किल्लत जो है एनसीआर क्षेत्र में देखने को मिल सकती है। अब वहीं अगर बात नहर के खोलने को लेकर करें तो सिंचाई विभाग जो है वो दीपावली के दिन गंग नहर को वापस खोलेगा 20 दिन के लिए, जिस तरीके से यहाँ पर गंग नहर को बंद किया गया है 4 नवंबर को गंग नहर को खोला जाएगा। तो अगले 20 दिनों के लिए गंग नहर को मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया है, मरम्मत के चलते बंद किया गया है। और आपको बता दें कि मरम्मत के चलते यूपी सिंचाई विभाग ने गंग नहर को बंद किया है और अगले 20 दिनों तक गंग नहर में मरम्मत का काम जो है किया जाएगा, मरम्मत की जाएगी और 20 दिनों के बाद दीपावली की रात गंग नहर को एक बार फिर से खोला जाएगा। और इन 20 दिनों में दिल्ली एनसीआर में पानी की कमी जो है देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर है उसका बता देते हैं आपको। दशहरा पर आपको बता दें कि कपाट बंद होने की तिथि घोषित की गई है, 20 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, 20 नवंबर शाम 6:45 पर कपाट बंद होंगे। केदारनाथ धाम यमुनोत्री के कपाट 6 नवंबर को बंद होंगे और गंगोत्री धाम के कपाट जो है 5 नवंबर को बंद किए जाएंगे। तो चारधाम यात्रा के लिए अब कम समय बचा है, अगले माह चारों धामों के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे और केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट 6 नवंबर को भैया दूज के दिन बंद होंगे। वहीं गंगोत्री धाम के कपाट 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा के दिन बंद होंगे और बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 20 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसकी औपचारिक घोषणा शुक्रवार को विजयदशमी पर हो गई है और उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया है कि शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि विजयदशमी के दिन शुक्रवार को घोषित की गई और बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 20 नवंबर को शाम 6:45 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि विजयदशमी के शुभ अवसर पर बद्रीनाथ रावल ईश्वरी प्रसाद नमूंदरी के नेतृत्व में आचार्यों ने बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की तिथि की घोषणा की और बद्रीनाथ के कपाट 20 नवंबर को 6:45 पर शीतकालीन के लिए बंद किए जाएंगे। देवस्थानम बोर्ड के धार्मिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने भगवान बद्री विशाल की सेवा करने के लिए बामिनी गांव के हक हकुधारी मेहता थोक के संजय मेहता, यमुना प्रसाद भट्ट और भंडारी थोक के कल्याण सिंह भंडारी और कम्बदी थोक के मुरली सिंह पवार को पगड़ी पहनाकर निमंत्रण दिया, जिसे स्थानीय भाषा में टीका दशमी कहते हैं। तुलसी की पूजा नवरात्र की संपन्न हुई, तत्पश्चात भगवान के कपाट बंद होने की तिथि के लिए एक बैठक आयोजन प्रतिवर्ष होता है, बैठक आयोजन हुआ और इसमें
जो तिथि निकली है भगवान की राशि से, जो लग्न निकला है उसके अनुसार भगवान के कपाट 20 नवंबर को सायं 6:45 पर शीतकाल के लिए बंद करे जाएंगे। पूजा देवताओं के पास आ जाएगी और 21 तारीख को यहाँ से उद्धव जी की डोली, भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा और यहाँ से रावल जी सब नीचे कर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तरकाशी विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट बंद होने की तिथि की घोषणा कर दी गई है और गंगोत्री धाम के कपाट 5 नवंबर को 11:45 पर विधि विधान के साथ बंद किए जाएंगे। गंगोत्री से गंगा जी की मूर्ति डोली यात्रा के साथ तीर्थ पुरोहितों के साथ मुखवा के लिए रवाना होगी और मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सोमवाल ने बताया है कि माँ गंगा की मूर्ति को मुखवा स्थित मंदिर में अगले 6 महीनों के लिए अखंड दीप के साथ स्थापित किया जाएगा और जहां शीतकाल में भी श्रद्धालु माँ गंगा के दर्शन कर पाएंगे, वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट 6 नवंबर को भैया दूज के दिन 12:30 पर पूजा अर्चना के साथ बंद कर दिए जाएंगे। दशमी के पावन पर्व पर आज माँ गंगा भगवती के कपाट बंद होने के शुभ मुहूर्त हमारे द्वारा तय किया गया है, जो कि 5 नवंबर को अन्नकूट के दिन माँ भगवती गंगे के कपाट शीतकालीन के लिए ठीक 11:45 पर बंद किए जाएंगे और 11:51 पर माँ गंगा की भव्य डोली शोभा यात्रा के साथ यहां से मुखीमठ के लिए प्रस्थान करेगी। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।